आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे बेसिक कंप्यूटिंग का 608 का 10th क्लास एन आई एस का उर्दू में प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज है, आप देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सारी लिखी हुई हैं, और आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी सारी यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस। इंट्रोडक्शन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस कोरल ड्रो सॉफ्टवेयर, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। एमएस ऑफिस होती है, कोरल ड्रो होता है, फोटोशॉप, इन पेज, इलस्ट्रेटर। इसके बाद है प्रैक्टिकल वर्क, विंडो में न्यू अकाउंट बनाना। इसलिए सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट का नाम देंगे, फिर ओके पर, तो हमारा विंडो पर न्यू अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे प्रैक्टिकल 3, सिस्टम बैकअप को सेटअप करना। स्टार्ट बटन दबाएं, कंट्रोल पैनल को खोल दें और सिस्टम सिक्योरिटी पर क्लिक करें, और फिर बैक ऑफ एंड रिकवरी पर क्लिक करें, और फिर सेटअप पर क्लिक। इस तरह हमारा सिस्टम में बैकअप शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 4 है, नेटवर्क में फाइल को शेयर करना। इसके लिए 10 जेल जो है सेटअप फॉलो करें। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ऊपर करें, नेटवर्क एंड शेयरिंग पे क्लिक करें, उसके बाद एडवांस शेयरिंग सेंटर चेंज पे क्लिक करें, उसके बाद ऑल नेटवर्किंग पे क्लिक करें। आप पब्लिक फोल्डर शेयरिंग पे ऑप्शन को टर्न ऑफ करें और पासवर्ड को ऑफ करें। इस तरह हम फाइल को नेटवर्क के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। एमएस वर्ड में रिज्यूम बनाना, इसके लिए 10 जेल फॉर्मेट को फॉलो करें। सबसे पहले टेक्स्ट को लिखें, उसके बाद साइज़ को सेट करें, उसके बाद हेडिंग को सेट करें, उसके बाद फ़ोटो लाएं, पेज लेआउट में जाकर बॉर्डर लगाएं, इसको कलरिंग करें, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू को देख लें। इस तरह हमारा रिज्यूम एमएस वर्ड में तैयार हो जाएगा। स्पेयर शीट डेटा शीट को बनाना, इसके लिए सबसे पहले एमएस एक्सेल प्रोग्राम खोलें, उसके बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा जिसे ब्लैंक शॉट, क्रिएट ब्लैंक शीट कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और तो हमारी एक्सेल में डेट शीट या सेपरेट शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद है प्रेजेंटेशन को बनाना, इसके लिए हमको 10 जेल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमको स्टार्ट पे क्लिक करें, पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन करें, उसके बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे न्यू ब्लैंक प्रिंटिंग पे क्लिक करें, उसके बाद इनसे स्लाइड पे जाकर और स्लाइड, और फिर इसमें हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। अगला पेज है प्रैक्टिकल 9, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना। 10 जेल तरीके से बहुत ही आसानी से रिपोर्ट करा जा सकता है इसको भी, मतलब इसमें रिकॉर्ड करने का जो है पूरा प्रोसीजर है। जब हम पावर पॉइंट में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले काम को जो है शुरू करें, डेटा में जाकर रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होती रहेगी। इसके बाद है ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल बनाने के लिए हमें कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। उसके बाद गूगल ओपन करेंगे, उसके बाद जीमेल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर अकाउंट पे और ज़रूरी मालूमात को, फिर एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट यानी ईमेल बन जाएगा। इसके बाद है जीमेल अकाउंट को सिक्योर करना। जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हम जब भी अकाउंट को ओपन करेंगे वो हमसे पहले मोबाइल में पिन भेजेगा, कन्फर्मेशन लेगा या सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, उससे हमारे जीमेल का दूसरा कोई भी शख्स ओपन नहीं कर सकता। डिजी लॉकर में फाइल को स्टोर करना, इससे हम डिजी लॉकर में फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा और डॉक्यूमेंट को स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करेंगे तो हमारा ओटीपी के ज़रिए, आधार कार्ड के ज़रिए फाइल को अपलोड कर सकते। ड्रॉप बॉक्स से फाइल को लेना, ड्रॉप बॉक्स
एक गूगल ड्राइव की तरह इसमें फाइल को सेव कर सकते हैं, और जब हम फाइल को डाउनलोड करना होता है तो हम फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के नहीं होगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो ये नहीं होगा। फाइल के लिए गूगल ड्राइव पर फाइल को सेव करना, गूगल ड्राइव हमारे लिए जीमेल अकाउंट से ही जुड़ा होता है। इसमें गूगल की तरह हमको 15 GB तक फ्री स्टोर मिलता है, इसलिए हम भी इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इसमें फाइल को स्टोर करने हम गूगल फाइल अपलोड कर सकें, फाइल को शेयर करेंगे और अपलोड करेंगे, फाइल अपलोड हो जाएगी। स्काइप कॉलिंग के बारे में, स्काइप कॉलिंग वीडियो करने का एक ऐप है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। हम स्काइप पर अपने दोस्तों को कॉल करके उनकी कॉल करके जोड़ सकते हैं, जैसा कि फेसबुक कॉल होती है वैसे ही है। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट, इसके बाद गूगल पे जाके फेसबुक लिखें, वहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। इससे हमारा सोशल मीडिया नाम क्रिएट करेगा और क्रिएट पे क्लिक कर हमारा अकाउंट बन जाएगा। आर्टिकल लिखना, ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब है एक तरीके से वेबसाइट को कहते हैं, जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ आर्टिकल और फोटो मालूमात के लिए होते हैं। ब्लॉग लिखने वाले शख्स को ब्लॉगर कहते हैं, ब्लॉग लिखने को ब्लॉगिंग कहते हैं। प्रैक्टिकल अब 17 है, एंटीवायरस और एंटी स्पेयर का इस्तेमाल। एंटीवायरस एक फाइल प्रोग्राम है जिसके इस्तेमाल से कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना और उसमें वायरस को डिलीट करने का ये किया जाता है। वायरस को डिलीट करने के अलावा एंटीवायरस एडवर्टीज वगैरह भी कंप्यूटर से रिमूव करता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें। एंटीवायरस का इस्तेमाल ऐसा सॉफ्टवेयर को डिलीट करने पता लगाने के लिए किया जाता है जो एक हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए कर देते हैं। आखिरी पेज है कि पेन ड्राइव से लॉस्ट और हिडन फाइल को रिकवरी करने का। इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में डाउन करके इंस्टॉल करें, उसको ओपन करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अपनी पेन ड्राइव को चूज़ करें और स्कैन पे क्लिक करें और डिलीट डेटा को स्कैन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑटो पर क्लिक करें और स्टोर कर दें और सेलेक्ट को क्लिक करें तो डेटा आ जाएगा। तो ये था भाई एक छोटा सा प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल है आपका बेसिक कंप्यूटर उर्दू मीडियम 10th क्लास 6th। और ये प्रैक्टिकल आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और उन दोस्तों को भी शेयर करें जो मतलब उर्दू में उनको मटेरियल नहीं मिलता, ताकि जो है वो भी हो, फ़ायदा भी हो, हमारा भी आपका भी फ़ायदा। शुक्रिया।